ड्रामा देखने से ज्यादा मुझे कहानी ने जज्बा दिलाया और फिर मैंने देखा कि इस तरह के काम के फायदे क्या हैं और ये कितनी मुश्किलात से होते हैं। तो इसलिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा तैयारियां नहीं करनी पड़ी। अब 3-2-1 के बाद खुद ही शुरू हो जाती हूँ मैं। लेकिन इस मंजर में इजाफी मेहनत दरकार थी। रात को बाहर सुबह होने वाली थी। मेरे साथ वो अदाकार थे जिनके साथ कभी काम नहीं किया, इसलिए सीन्स में जब सामने काबिल स्टंटमैन हो तो दिल को सुकून रहता है, लेकिन अगर कोई एक्टर या सपोर्टिंग एक्टर हो तो मेरे हाथ पांव लड़खड़ा जाते हैं। और इसके पीछे से हम उन झाड़ियों में से निकलते हैं जिनमें कांटे भी हैं। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, उस हवा के साथ तो बिल्कुल नहीं। मेरे पांव के पीछे कांटा चुप गया, कहा मैंने। इस एक्शन को करते हुए मुश्किल हुई थी मुझे, क्योंकि मैं उस वक्त सपोर्टिंग एक्टर्स के साथ थी, असल अदाकार नहीं थे मेरे सामने। मुझे ये भी डर था कि कहीं किसी को नुकसान न पहुंचे। सुबह ठीक 7:30 बजे सूरज निकलने से पहले हमने एक्शन शुरू। बच्चे के वो आंसू, उसके पास पहुंचकर जो मैंने महसूस किया उससे भी मुतासर हुई। कट हो गया, मगर कैमरे के पीछे जाकर मैं रोती रही, क्योंकि मुझे अपने अंदर से वो सब निकालना था। तकरीबन 10 मिनट तक रोती ही रही मैं वहाँ। बहुत मुतासर हुई थी मैं, उस मंजर की खास जगह है मेरे दिल। मुझे शौक था घोड़सवारी का, मगर इतना नहीं था। कभी कभी किसी फार्म हाउस पर ऐसे ही घोड़ों के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था, लेकिन इतनी काबिल नहीं थी मैं। ड्रामे के बाद हो गई।